नमस्कार दोस्तों, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 29 दिसंबर दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आकर संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज बुधवार सरस्वती माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सरस्वती माँ लिखें, सरस्वती माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, आज की तिथि है दशमी। आज का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:23 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय कोई भी नहीं और आज का अशुभ समय है दोपहर 12:02 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इस समय ना करें, आपके लिए अशुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज आपका लकी नंबर है 2 और शुभ रंग है हल्का मेहरून, लाल और पर्पल। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि एक अच्छा और सफल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए इन गुणों का होना चाहिए जरूरी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों और कूटनीतिक कुशलता से चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये एक श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ साथ ही एक अच्छे शिक्षक भी थे। आचार्य चाणक्य ने कई शास्त्र लिखे जिनमें नीति शास्त्र की बातें आज भी बहुत लोगों को लोकप्रिय मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। नीति शास्त्र में एक सफल नेतृत्वकर्ता यानी कि लीडर बनने के लिए व्यक्ति में कुछ गुणों का होना आवश्यक बताया गया है। जिस व्यक्ति में ये गुण होते हैं वह एक अच्छा और सफल नेतृत्वकर्ता सिद्ध होता है। आप भी जान लीजिए कि ये गुण कौन से हैं। नंबर 1, निरंतर सीखते रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक एक अच्छा नेतृत्वकर्ता वही माना जाता है जो सीखने में कभी संकोच नहीं करता। व्यक्ति को सदैव नई चीज़ों को सीखते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए व्यक्ति का निरंतर सीखते रहना बहुत जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि व्यक्ति को अपने शत्रु से भी कुछ सीखने का मौका मिले तो उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 2, सबको साथ लेकर चलने वाला। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति में सबको साथ लेकर चलने का गुण होता है वह एक अच्छा नेतृत्वकर्ता साबित होता है। किसी भी कार्य को पूरा करने और सफल होने के लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यक्ति को अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहिए। नंबर 3, समय प्रबंधन का सही उपयोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा और सफल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए व्यक्ति में समय प्रबंधन को लेकर अच्छी समझ और जागरूकता होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय के महत्व को समझता है और उसका सही प्रबंधन करता है वह एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है और सफल होने के लिए व्यक्ति के जीवन में समय का विशेष ध्यान होता है। नंबर 3, समय प्रबंधन का सही उपयोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं एक अच्छा और सफल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए व्यक्ति में समय प्रबंधन को लेकर काफ़ी अच्छी समझ और जागरूकता होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय के महत्व को समझता है और उसका सही प्रबंधन करता है वह एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है। सफल होने के लिए व्यक्ति के जीवन में समय का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल कूद को शामिल किया जाना चाहिए। आपके भाई बहनों में से कोई आज आपसे पैसा उधार मांग सकता है। आप उनको पैसा उधार तो दे देंगे लेकिन इससे आपके आर्थिक हालात खराब हो सकते हैं। नव युवकों को स्कूल प्रोजेक्ट की किसी बात पर कुछ राय लेने की जरूरत हो सकती है। आज आप हर तरफ प्यार ही प्यार फैलाएंगे। अगर आप यकीन करते हैं कि वक्त ही पैसा है तो आपको अपनी क्षमताओं को शीघ्र पर पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। इस राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय को मिलने जा सकते हैं। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत खास करने वाला होगा।
साथ ही साथ आपको बताएं, किसी बात को लेकर मन में उत्सुकता रहेगी, अच्छा बोलकर आपकी कोशिशें पूरी हो सकती हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी हो या इंटरव्यू आदि हो तो आपको उसमें असफलता मिल सकती है। साथ ही आपको बताएं, आज आप निस्वार्थ ढंग से कई काम कर सकते हैं, आप सकारात्मक भी रहेंगे, आपके लिए दिन सामान्य रहेगा, परिवार में कोई नया सदस्य भी आ सकता है, खुद पर भरोसा रखेंगे तो आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, आप अपनी मीठी और चिकनी बातों से अपने प्रियतम का दिल जीतने में सफल होंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपको परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कुछ अप्रत्याशित धन लाभ होने की भी संभावना बन रही है। आपको अपने कार्य स्तर पर ढेर सारी प्रशंसा प्राप्त होगी, आजीविका अथवा व्यापार संबंधी एक रोमांचक प्रस्ताव आपके सामने पेश किए जाने की संभावना है। आज भाग्य आपका साथ देगा, विशेषकर संपत्ति और सौभाग्य के मामलों में। साथ ही साथ आपको बताएं, पैसे के मामले में सोच समझ कर फैसले लेंगे और इसका फायदा भी आपको हो सकता है। आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के मामले में परिवार या साथ के कुछ लोगों से आपकी अनबन होने की भी संभावना बन रही है। साथ ही आपको बताएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने की कोशिश करें, नहीं तो आपकी इमेज आज खराब हो सकती है, इसलिए आप इमेज को लेकर थोड़े सावधान रहें। सेहत के मामले में उतार चढ़ाव भरा दिन रह सकता है, पुराना रोग खत्म होगा तो आपको नया भी शुरू हो सकता है। स्टूडेंट को सीनियर की मदद मिल सकती है, फालतू कार्यों में समय को खराब ना करें, आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। साथ ही आपको बताएं कि इस बात की प्रबल संभावना है कि आपके आसपास के लोग आपके रिश्ते में मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे, कदाचित आप अपने ही साथी में नुक्स निकालने लगेंगे, सावधान रहें, इससे आपको रिश्तों में दरार पड़ सकती है। आपको अपने से वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों के संगत से दूर रहें, काल सफलता में आने वाली अड़चनों से आप कुछ समय के लिए निराश हो सकते हैं। साथ ही आपको बताएं कि पिछले कुछ समय से काफ़ी नकारात्मक भावनाएं आपके मन में घर कर रह गई हैं, जो आज स्पष्ट रूप से बाहर आ जाएंगी। आपका दृष्टिकोण और अधिक संवेदनशील हो जाएगा तथा आप सहज, कुपित और नाराज रह सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सहयोग आप पर बना रहेगा, उनका आदर सत्कार बनाए रखें। संतान की तरफ से भी चल रही किसी समस्या का समाधान आपको मिलने से मन में सुकून रहेगा, आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर उचित तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। कभी कभी आपका गुस्सा और जल्दबाजी आपके तथा आपके परिवार के लिए परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, अपने इन कमियों पर अंकुश लगाएं। खर्चों की अधिकता रहेगी, इसलिए अपने बजट को भी ध्यान में रखकर चलना जरूरी है। साथ ही आपको बताएं, परिवारजनों के साथ भी कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनाएंगे, इससे आपसी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, विवाह उत्तर संबंधों से आप दूर रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों का कोई टारगेट पूरा होने से बॉस तथा उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। मीडिया व कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। वर्तमान व्यवसाय में जो कार्य चल रहे हैं उनसे उचित लाभ होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, जो लोग अब तक सिंगल या अकेले हैं, उनके प्रेम जीवन में कोई प्यारा साथी दस्तक दे सकता है। अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे के प्रेम को समझने का दिन है। साथ ही साथ आपको बताएं कि परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल और विश्वास को बनाकर रखेगा और आप तनाव मुक्त होकर आप अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। परिवार आपकी प्राथमिकता पर ध्यान देगा और आपका जीवन साथी आपकी परिस्थितियों को पूर्ण करने में आपका सहयोग देगा। साथ ही साथ माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह आपके आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं कि घर परिवार में आज शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। संतान की पढ़ाई लिखाई व सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए और किसी पुराने मित्र के मिलने से आपको बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों, आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आपके वाहन को चलाते समय आप विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपको आज कोई हानि हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग या व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।